इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। इंडिया गठबंधन के साथी महान दल ने कल अचानक बीजेपी के साथ चला गया। उसने फतेहपुर सीकरी लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार को समर्थन दे दिया। आज वहीं कुशवाहा समाज के दूसरे संगठन महानवाड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोखे मध्य प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने गठबंधन की प्रत्याशियों को भरोसा दिलाया कि कुशवाहा समाज का वोट गठबंधन को पड़ेगा और महान दल पर बड़ा इल्जाम लगाया कि वह समाज के वोट को पैसे के खातिर बेच रहा है, मगर कुशवाहा समाज पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर समाज की अनदेखी के बड़ा इल्जाम लगाया और समाज को एक साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की। इंडिया गठबंधन को सभी लोकसभा क्षेत्र में सभी जाति व समाज का वोट मिल रहा है, परंतु यहाँ एक पहली घटना हुई है कि इंडिया गठबंधन का एक अलायंस हमारा पार्टी थी जिसको हम महान दल के नाम से जानते थे, अभी तक हमारे समर्थन में थे, बाकायदा हमारे साथ फोटो है, उनकी मीटिंग सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ चंद पैसों के लालच में आके उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा के प्रत्याशी है उन्हें समर्थन दे दिया। तो इसको लेकर कुशवाहा समाज में भारी आक्रोश है और आज जो हमारे महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से चल के स्पेशल यहाँ पे आए हैं अपने समाज के लोगों को समझाने के लिए कि आप जागरूक होइए, आपको कुछ लोग आप समाज के जो ठेकेदार बने हैं वो चंद पैसों में बेचना चाहते हैं। तो आज इसी को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने बाकायदा कहा है कि कुशवाहा समाज इंडिया गठबंधन के साथ था फतेहपुर सीकरी में रामनाथ सिकरवार जी के साथ। देखिए, पहले से ही कुशवाहा समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से रहा है और अब भी कुशवाहा समाज समाजवादी पार्टी अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ सही कर रहे हैं और जहाँ गठबंधन के साथ में कांग्रेस से वहाँ कांग्रेस के चाहे फतेहपुर सीकरी हो चाहे आगरा सीट हो वो हर जगह अपने अपने हिसाब से और हमारा समाज पूरा गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी और आज विशेष विषय ये है कि लोकसभा फतेहपुर सीकरी में जो जिस प्रकार से हमारा जो समाज है वो बहुत संख्या में है, अगर ये समीकरण बनाने की भूमिका में रहता है बिगाड़ने की भूमिका में भी रहता है और कुछ हमारे ही बीच के बाहर से यानी पूर्वांचल के लोग आ जाते हैं दल बनाकर और हमारे लोगों को बौखलाते हैं, हमारे लोग बेचने का काम करते हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कुशवाहा कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई महानवादी पार्टी और जिसके अध्यक्ष हमको बनाया गया था। तो हम लोग जो लोकल के लोग हैं और लोकल के जितने भी लोग हैं सब ये फैसला लेते हैं कि माननीय रामनाथ सिकरवार जी को अपना समर्थन देंगे और हमारा ऑलरेडी समर्थन इंडिया गठबंधन को है और हम लोग उनके लिए लगेंगे भी और लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं और उनको भारी बहुमत से हम लोग जिताकर भी लाएंगे। ये हमारा पहला और प्रथम पार्टी है जो आपके समाज के लोगों को बौखला रही है जी। एक महान दल नाम है और महान दल एक बिकाऊ दल है, हमारा समाज सब उसे नकार चुका है, बहुत पहले से निकाल चुका है, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी जाते हैं ये लोग सौदा करते हैं और सौदा करके समाज को बेच देते हैं। समाज को बड़ी उम्मीद होती है कि ये हमारे समाज के मसीहा हैं, हमारे दुख दर्द में काम आएंगे, हमें को हमारी उनको अभिलाषा साका मतलब आशाएँ होती हैं कि हमारी जो हम लोग हमारे जो कार्य हैं हमारे कार्यों पर हमारे जो शासन प्रशासन भागीदारी पर ये खड़े उतरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है इन लोगों से क्योंकि जी बताएँ अलायंस को हमने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है, क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे? मेरी 22 मार्च को माननीय राहुल गांधी जी के साथ और माननीय खड़गे जी के साथ में बैठक हुई और हमारे जो नेता हैं राजकुमार सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं उनके माध्यम से हम लोग करीब 64 दल इकट्ठे हुए थे उस दिन, सब लोगों ने मिलकर समर्थन दिया। एक हमारा एक भारतीय महागठबंधन है और जब हमने ये व्यवस्था प्रथम मोर्चा बनाया है उसका भी हमारा समर्थन है सबका, तो मिलकर हम ये हमारा सवाल ही है जी रामनाथ सिकरवार जी किस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं? जी, हम रामनाथ सिकरवार जी का
वोट से सहयोग करेंगे, वोट तभी तो जीत पाएंगे। तो जितना भी समाज है, हम लोग जो जा रहे हैं कैंपेन कर रहे हैं, सब लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं, सब लोग का पूरे समाज का वोट डलवाएंगे। किस तरीके से करा रहे हैं जी? वोट से कराएंगे, और वोट से तो कराएंगे, घर घर जा रहे हैं, कैसे? घर घर जाकर व्हाट्सएप से मैसेज देंगे और यूट्यूब चैनल से देंगे, फेसबुक से देंगे, जिससे कि समाज तक पहुँचे मैसेज। और समाज का देखो, यहाँ कोई मसीहा नहीं है, यहाँ जो भी आते हैं जीत के चले जाते हैं। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लगातार 10 साल से कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ क्या क्या हुआ है, बेरोजगार कितना व्यक्ति हुआ है, नौजवान सब बेरोजगार हो गया, और बेरोजगारियों का अब कोई इनसे कोई आशा उम्मीद नहीं है जो कोई इनको वोट करें। तो इसलिए सब ने उठाना है और इंडिया गठबंधन को जताना है और इनकी सरकार बनानी है। ठीक।